लखीमपुर खीरी में हुए किसान हत्याकांड को लेकर राजनीतिक दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर सरकार का विरोध कर रहे हैं। उसी क्रम में आज फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तथा भारतीय किसान यूनियन टिकैत के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताते हुए पुलिस द्वारा विपक्षी पार्टियों के उच्च नेताओं को गिरफ्तार करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही किसान हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने तथा उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से इस्तीफा देने व परिवार को मुआवजा, साथ ही प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। कल लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री उनके बेटे द्वारा किसानों की कुचलकर निर्मम हत्या की गई थी। उसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे। इस शासन और शासन ने जबरन उन्हें घर में निर्बंध किया। बाद में जब वो धंधे पर बैठ गए तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। इसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया। योगी सरकार के द्वारा प्रतिदिन इस तरीके के कुकृत्य किए जा रहे हैं। कल योगी के समर्थकों द्वारा, योगी के लोगों के द्वारा किसानों के जो नरसंहार किया है, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जिस तरीके से ये नरसंहार किया गया है, हम ये कहते हैं पार्टी के माध्यम से कि उनके परिवार के लोगों को एक एक करोड़ रुपया और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। जिस तरीके से किसान का विरोधी ये सरकार आई है, इस सरकार ने तो देश को नेस्त नाबूद करके रख दिया है। हम सब लोग शालीनता से, शांतिप्रिय तरीके से ये आंदोलन करने के लिए सब लोग पार्टी के साथ निकले हैं और जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है उनके साथ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। और जिन लोगों का समर्थन है, जिनके परिवारी जन है, जो मिनिस्टर है, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। देखिए लखीमपुर खीरी में जो हमारे इस देश के अनुदान के नरसंहार हुआ, हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो, राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाए और किसानों के परिवार को एक एक करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए और परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी दी जाए। हम लोग इस मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में और देश में इस आंदोलन के लिए, शांतिप्रिय आंदोलन के लिए कटिबद्ध हैं और उसी परिपेक्ष में ये आंदोलन किया जा रहा है। अभी हम लोग माननीय अपने जिलाधिकारी जी को भी ज्ञापन सौंपेंगे, जैसा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो हमें हम लोगों को गाइडलाइन जारी की गई है उसी आदेश पर हम लोग आंदोलन करेंगे। किसानों की हत्या की गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने किया है, गाड़ी से कुचल कर किया है, ये निर्मम हत्याकांड है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे, उनको जबरन रोका गया, गिरफ्तारी की गई। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का आह्वान है पूरे प्रदेश में, जो जहां पर भी समाजवादी हो वहीं पर वो धरने पर बैठ जाए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। तो हम लोग सभी लोग समाजवादी लोग यहाँ दबरई पर अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। मांग ये है कि जो भी किसान परिवार है जो व्रत जिनकी हत्या हुई है उनको दो दो करोड़ रुपया दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और जो दोषी हैं, जो भाजपाइयों ने हत्या की है किसानों की, उनको 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी गिरफ्तार किया है। तो हम लोग भी यहाँ पर जब तक नहीं हटेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ा नहीं जाएगा या हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आदेश दिया है कि अपने अपने नाम लिखवाइए, जो गिरफ्तार होना चाहते हैं सभी समाजवादी साथी अपना नाम लिखवा रहे हैं, हम लोग गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। बीजेपी सरकार देखते रहिए
टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।